तो शाह मना लेंगे जाटों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी जाटों को मनाने की, जिसकी कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी लगातार जाटों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार जाटों को मनाने के चक्कर में राष्ट्रीय लोकदल को भी क्या न्योता दिया जा रहा है। जी हाँ, वैसे तो राष्ट्रीय लोकदल RLD और सपा के बीच में गठबंधन है, प्रत्याशी रण में उतर चुके हैं, ताल ठोकी जा रही है, दम ठोका जा रहा है दोनों तरफ से। लेकिन इस बीच बीजेपी के घर से एक ऑफर राष्ट्रीय लोक दल के चेहरे जयंत चौधरी के पास गया, प्रवेश वर्मा के रूप में, जिनके घर में अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की। अब उसका जवाब जयंत चौधरी ने अपने अंदाज से दिया कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। अब इसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% करीब जाट वोटर है, जिनका 45 से 50 सीटों पर असर है। इसी को 2017 विधानसभा चुनाव की तरह साधने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक बैठक की थी और सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक हुई थी और दावा यह किया गया था कि बड़ी संख्या में जाट नेताओं को इस बैठक में शामिल किया गया। इलेक्शन के बाद संभावनाएं खुली रहती हैं, जिसका जिक्र किया गया बीजेपी की तरफ से। अब उसे समझिए कि इलेक्शन के बाद संभावनाएं खुली रहती हैं, हमारा दरवाजा खुला है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। अब जयंत चौधरी ऑफर को ठुकरा रहे, बीजेपी की संभावनाओं पर पानी फेर रहे। अब 8 जनवरी को, क्योंकि चुनाव का ऐलान हुआ, 403 सीटों पर चुनाव होना है, और ऐसे में 7 मार्च को, 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोट पड़े जाने, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने ये ऑफर जयंत के सामने रखा है। अब इसी को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और आज इसी को लेकर दिलचस्प चर्चा भी हम करने वाले हैं कि आखिरकार बीजेपी के इस ऑफर के सियासी मायने क्या है। क्या वाकई में संकेत और संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव के बाद खिचड़ी पक सकती है, और बीजेपी ये कौन सा दाव खेल रही है? आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे जो मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ संजय त्यागी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे स्वामी जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही संजीव चौधरी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही हमारे साथ विक्रांत जी जुड़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं, राष्ट्रीय लोक दल के चेहरे हैं। और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि हमारे मित्र भी हैं। राहुल लाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संजय त्यागी जी, इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। त्यागी जी, जयंत चौधरी को ये ऑफर, वो कह रहे चवन्नी थोड़ी हो तो पलट जाऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, जयंत चौधरी जी का बहुत सम्मान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जयंत जी गलत घर में चले गए हैं और इस बात का अफसोस पूरी हमारी जो पश्चिम की, जो आप कह रहे हैं जाट बिरादरी है, उसमें अफसोस बहुत है इस बात का। देखिए, ये अच्छा। एक मतभेद इन दोनों 2013 से पहले भी और 2013 में दो समुदायों के बीच में वो जो मुजफ्फरनगर दंगे ने, आप उनको सही घर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने कहा, देखिए, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, मतलब गुंडा,
इसमें भारतीय जनता पार्टी या मुझे कुछ कहने की आवश्यकता थोड़ी ना कुछ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अजीत सिंह ने कहा आप तो वही बात कह रहे हैं कि गलत घर में चले गए। जी तो 253 जाटों के साथ आपकी मुलाकात हुई तो एक जाट जयंत चौधरी को भी न्योता दे देते। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र है, वो आज नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि ये एक बेमानी जमीनी गठबंधन नहीं है। ये हमने हमें जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे चौधरी भाई जाट भाई ही चाहते हैं कि वो गलत घरों में चले गए, वो मनों से मिल नहीं पाए हैं अभी। ये एक बेमेल गठबंधन है और इसका हश्र बहुत जल्दी प्रदेश की जनता के सामने होगा। अच्छा, ये बेमेल गठबंधन है। मैंने तो आज तक अपने राजनीतिक जीवन में जो पत्रकारिता की है, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा बीजेपी ने इस तरह से चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ऑफर किसी राजनीतिक दल को दिया हो। क्या आप मान रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल वहां पर मजबूत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप ऑफर दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, कोई भी राजनीतिक दल है, लोकदल ही क्यों, कोई भी है, किसी के राजनीतिक अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन नहीं तो आपने किसी और को ऑफर थोड़ी ना दिया, आपने चुनाव से पहले आज तक कभी किसी को ऑफर दिया? उन्होंने तो प्रत्याशी घोषित कर दिए, उनके प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, रण में उतर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ आ जाओ, गलत घर में चले गए, शुद्धिकरण कर देते हैं, आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी का कथन नहीं है, मैंने बताया ना स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का ये कथन था, और चौधरी अजीत सिंह के जो अनुयायी हैं वो चाहते हैं इस बात को। प्रवेश वर्मा जी क्या ऑफर दे रहे थे फिर? देखिए कल 253 जो महत्वपूर्ण जाट नेता मान्य अमित शाह जी की मीटिंग में शामिल हुए थे, उनकी भी दिली इच्छा, और उन्होंने आपने देखा होगा उन्होंने बाहर निकलकर कैमरे के सामने भी ये कहा था कि हम उनको समझाएंगे और उन्हें वापस लाएंगे। हाँ, मैंने देखा था सर, आपके ब्लॉक प्रमुख थे जिनको चुनाव में कुल एक वोट मिला था, जिनका नाम है कृष्ण पाल सिंह, जिन्हें आप कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को हमने बुलाया, उनको वोट एक मिला था जी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। मैंने कहा मैंने कहा कि 253 जाट नेताओं को बुलाया। अच्छा, तो 253 में वो भी थे ना? मैंने बड़े छोटे की बात नहीं की, 253 सर, 254 बुला लेते ना, 254 में जयंत चौधरी भी आ जाते, क्या दिक्कत है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, जयंत भी आना चाहे स्वागत है उनका। डॉक्टर विक्रांत, सुना आपने, ये कह रहे हैं कि दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, खुला ऑफर संजय त्यागी जी अभी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं जो अजीत सिंह ने कहा था उस कथन पे रहिए, आइए बीजेपी से हाथ मिला लीजिए। जी, ऑफर जी, कबूल जी। है, आप कह रहे हैं कि चुवन्नी है, कोई पलट जाएंगे उलट जाएंगे, आपके सामने ऑफर दे रहे हैं। तिलक भाई, काफी जवाब तो आप ही ने दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उस तरह के एंकर हैं जो मुद्दों पे और जो डेटा पे बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, सारे जाट वहीं बैठे हुए थे, गाजीपुर बॉर्डर पे सारे किसान वहीं बैठे हुए थे, 13 महीने बैठे रहे। उस समय भी अमित शाह का घर 7-8 किलोमीटर दूर ही था, आराम से बुलाते, उन्हें पार्टी देते, उनकी दावत करते, तो तब कुछ बात के मायने होते। रही बात 253 लोगों की, तो बिल्कुल 253 लोग वहां गए, और इससे पता चलता है कि 253 ही वोट करीब करीब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे किसान भाइयों का भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। मतलब सारे नेता, सारे विधायक, गृह मंत्री जी कैराना जाके आराम से सुनिए, संजय भाई जब आप झूठ बोल रहे थे तो मैं थोड़े कुछ कह रहा हूँ, आराम से सुनिए, आराम से बोलिए। 253 बिल्कुल आप अपने बात पूरी कीजिए, क्योंकि जो किसान आंदोलन था, जब 750 किसान वहां चले गए, भाई शहीद हो गए, तब जो आप समझिए लोकतंत्र में सांसद 15 लाख लोग के आसपास मिलके चुनते हैं, वो सांसद की नहीं चली, भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद थे, किसानों के बेटे थे वो। एमएलए जो करीब करीब 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी ये बात नहीं सुन रहे थे। वहां पर दो लोगों की सरकार चल रही है, दो लोगों के हिसाब से चीजें हो रही हैं। अब उनमें से एक आदमी को रियलाइज हुआ, जब नहीं आया था, ये कह रहे 253 को बुलाया था, 253 में आपकी लिस्ट में नाम था कि नहीं? जी जी जी, बहुत 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 बहुत, मैं तो जो है भगवान को दुआ मानता हूँ कि ऐसा टेलीफोन मेरे पास नहीं आया, तो अच्छी है ये बात कि मुझे टेलीफोन नहीं आया, जिन लोगों को आया कम से कम। त्यागी जी कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को, जाट नेताओं को बुलाया था, मैं देख रहा था उस लिस्ट में एक नाम है कृष्ण पाल सिंह साहब का नाम है कृष्ण पाल सिंह, उन्हें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक वोट मिला था, ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को बुलाया था। तिलक भाई, मैं बड़ा एकदम
बिल्कुल सकारात्मक आदमी हूँ राजनीति में, और आप चूंकि स्टूडियो में बैठे हैं, पत्रकार हैं, और आपसे आप चौथा स्तंभ भी है। मैं ग्राउंड जीरो पर रहता हूँ, मैं स्टूडियो में रहता ही नहीं हूं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप चौथा स्तंभ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप चौथा स्तंभ है। 252 लोगों का प्रोफाइल भी आप निकालिए, एक का निकाला, 252 का प्रोफाइल निकालिए, पिछले 5 साल के उनके काम निकालिए कि उन्होंने पिछले, क्योंकि आजकल सब फेसबुक पे अपडेट करते हैं, अगर कोई किसी शादी में भी जाता है तो अगर जमीन पे कोई 252 लोगों ने काम किया तो पता चल जाएगा। रही बात हमारे आने और ना आने की, मेरा ये इसमें कहना, क्या गारंटी की बदलोगे नहीं, ये तो अभी देखिए राहुल लाल मुझे बता रहे थे, फोन करके मुझे बताया राहुल लाल ने कि सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक राजनीति में, सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक थे अजीत सिंह, रामविलास पासवान और अजीत सिंह। मुझे राहुल लाल ने फोन किया था, कहा कि पूछ लेना विक्रांत जी से, डॉक्टर विक्रांत बताएंगे कि सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक थे कि नहीं अजीत सिंह, थे ना। नहीं देखिए, चौधरी साहब का अपना अंदाज था, चौधरी चरण सिंह पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी और जहां भी मौका मिला किसानों के लिए काम किया। चौधरी अजीत सिंह को जहां भी मौका मिला, मौका तो देखिए, मैं कह रहा हूं जिस पर सपा का झंडा, जो अभी बात संजय जी कह रहे थे, आगे मुझसे मत बोलवाओ आप, ये बात कहते थे ना अजीत सिंह जी, और अजीत जी मैंने वीडियो देखा, उनके बीच में रिश्ते क्या थे वो सब जानते हैं, जग जाहिर है जी। देखिए कभी भी दरार चीजों में आती है, चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन आज जो गठबंधन है वो मुद्दों का गठबंधन है, वो किसान को लेके गठबंधन है, रोजगार को लेके गठबंधन है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अजीत सिंह को मुख्यमंत्री तक नहीं बनने दिया मुलायम सिंह यादव ने, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, उस समय परिस्थितियां वैसी ही थी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, वैसी परिस्थितियां थी, लेकिन आज की परिस्थिति में चूंकि वो जब 2018-19 में आप जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद जाएंगे तो उन्होंने भाईचारे को लेके, अब उनका जब 81 साल के वो हुए तो भाईचारों को लेके पूरे प्रदेश में प्रोग्राम्स किए और उन्होंने हमें सिखाया भाई भाईचारा लेके जाओगे तो आगे बढ़ोगे। नहीं डॉक्टर विक्रांत जी, देखिए मैं वो वाला नहीं हूँ, ये सब जानते हैं, राष्ट्रहित के नाम पर जो टकराता है लड़ाता है भिड़ाता है, समझ रहे हैं सर, एक है वो ऐसे ऐसे करके कहता है लड़ा दो टकरा दो भिड़ा दो, मैं सबको हां बिल्कुल सही है वो, मैं एक काम नहीं करता, मैं तारीख और वक्त के साथ नोट कर लेता हूँ, 10 तारीख को फिर बात करूंगा आपसे, 10 तारीख के बाद फिर बात करूंगा आपसे, आपका स्वागत रहेगा, इंतजार रहेगा। कह रहे ना कि दरवाजा खुला हुआ है जी, और फिर वही वाली बात ना आ जाए जो अजीत जी कहते थे, गठबंधन की सरकार बनेगी आप चिंता ना कीजिए, गठबंधन की सरकार, वो गठबंधन किसके साथ होगा ये गारंटी नहीं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, राजभर जी सब लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे। अच्छा ये कृष्ण पाल सिंह का क्या मसला है, ये संजय त्यागी जी, इनको ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एक वोट मिला था, आप कह रहे जन समर्थन वाले नेताओं को हमने जुटाया था, जाट नेताओं को, संजय जी फिर संजय, देखिए ऐसा है, मैं चावला भाई जी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, सभी लोग सुन रहे हैं, मैंने बड़े नेताओं नहीं कहा, मैंने कहा 253 नेताओं को हमने बुलाया। अच्छा, मुझे लगा कि बड़े जाट नेताओं को बुलाया, उसमें से देखा तो मैंने ब्लॉक प्रमुख में एक वोट मिला था, मुझे लगता है कि वो भी खुद का ही होगा इनका। लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अगर हमारे लोकदल के प्रवक्ता इन 253 नेताओं की सार्वजनिक रूप से इस प्रकार बैठ करके जाट नेताओं की खिल्ली उड़ा रहे हैं तो पता है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भाई भी काफी बखूबी जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भाई नहीं, एक मिनट, पश्चिमी संजय जी ये आपके और मेरे बीच में लड़ाई करवा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल लीजिए, कोई लड़ाई नहीं, मेरी चिंता दूर कर दीजिए, मेरी एक छोटी सी चिंता है और फिर मैं उसके बाद संजीव चौधरी जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरी चिंता ये है कि आपने दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी के यहाँ पर मीटिंग करवाई, सही सर, 253 बड़े नहीं, तो आपने कहा कि हमने जाट नेताओं को बुलाया, जाट बिरादरी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये वाली जो मीटिंग जहां पर जाट लैंड, जिसे जो बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं ना, जाट नेता, जाट लैंड, जाट नेता, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये वाली मीटिंग जो है सत्यपाल सिंह जी के यहाँ मेरठ में भी हो सकती थी जी, हो सकती थी ना सर, और यही वाली मीटिंग जो है संजीव बालियान जी के यहाँ मुजफ्फरनगर में भी हो सकती थी, आपने ये मीटिंग वहां क्यों नहीं करवाई? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, अब ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, अनुकूल माहौल और अनुकूल वातावरण की बात रही होगी, बहुत सारे कारण, अनुकूल वातावरण क्यों, क्या दिक्कत हो रही है सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को? नहीं, कहां दिक्कत हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, मैं बता रहा हूँ, आगामी 10 मार्च का इंतजार कीजिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा,
हमारे जाट भाई ही जवाब देने को तैयार बैठे हैं। आपके नेता है ना, दस मार्च का रिजल्ट सब कुछ तय कर देगा। ये जाट नेता है कि नहीं है कि अगर अगर ये मीटिंग मुजफ्फरनगर में संजीव बारियान जी के यहाँ होती तो इसका एक अलग संदेश जाता। हमारे देश की मीडिया इतनी चिंतित है, आप जाट नेताओं को मना पाए नहीं मना पाए, हमारे देश की मीडिया को लेकर सर आपसे ज्यादा चिंता है उनको, हमारे देश की मीडिया को आपसे ज्यादा चिंता है कि वो मना लेंगे नहीं मना लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ संजीव बारियान जी के यहाँ मुजफ्फरनगर में भी हो सकती थी मीटिंग, चावला जी मेरठ में हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? चावला जी फिर आप इस डिबेट को आज दूसरे तरह से कर रहे होते। आप इस डिबेट को अगर ये मुजफ्फरनगर और मेरठ में होती, हमारे आदरणीय सांसद हैं, हमारे आदरणीय मंत्री हैं, मैंने बताया ना, लेकिन आज आप इस डिबेट को फिर दूसरी तरीके से कर रहे होते। जैसा कि पिछली डिबेट आपने रखी थी मुझे बखूबी याद है, क्या तो मैंने बताया ना, शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा अनुकूल माहौल अनुकूल वातावरण के अनुसार जहां उन्हें उचित लगा होगा, बहुत सारे सैकड़ों प्रोग्राम कार्यक्रम लगे हुए होते हैं। अनुकूल माहौल दिखाऊंगा सर, अभी दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार। लेकिन संजीव चौधरी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, खुला ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खुला ऑफर है और चुनाव के बाद देख लेना गलत घर में चले गए हैं। संजीव चौधरी अजीत सिंह तो कहते थे ना, क्या कहते थे वो अभी बताया संजय जी ने, झंडे वाली बात, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, वो बता रहे हैं फिर से संजीव चौधरी। इस बात की क्या गारंटी कि डॉक्टर विक्रांत आपके साथ आगे भी रिश्ता बरकरार रहेगा? तिलक जी नमस्कार, मेरा सबसे पहले तो निवेदन है त्यागी जी से, हमारे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ त्यागी जी का, वो बीच में ना बोले क्योंकि मैं जब से सुन रहा हूँ इनको। सबसे पहले तो तिलक जी मैं आपको बता दूं, भारत में अपनी हर डिबेट में एक ही बात कहता हूं जो साबित भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी। अभी हमारे संजय भाई ने एक बात कही कि जैन चौधरी जी का बहुत सम्मान है। संजय भाई आप उस दिन को भूल गए जिस दिन आपके योगी जी जैन चौधरी के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे। कहां थे आप उस दिन? कहां थी आपकी सरकार? कहां थे आपके 252 जाट नेता जिस दिन जैन चौधरी पे लठ बज रहा था? क्या यही सम्मान था? इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप झूठ बोलते हो, सेकंड बात आप उस दिन कहां थे जिस दिन हमारे चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आस्था उस कोठी में बसी हुई थी, जो कोठी आपने डंडे मार के सरकार के एक महीने बाद आपने टाइम भी नहीं दिया, कम से कम इतना तो टाइम दे देते कि हम उन आत्माओं को जो हमारी चौधरी साहब की आत्मा है उसमें बसी थी उनको कहीं दूसरी जगह स्थापित कर देते। आपने डंडे मार के किस तरीके से कोठी का सामान बाहर फेंका था? उस दिन कहां था आपका सम्मान? उस दिन जाटों का सम्मान कहां था? उस दिन आप लोगों को याद नहीं आई? प्रधानमंत्री जी को नहीं पता था? उस दिन आपके गृह मंत्री जी को नहीं पता था? किसको नहीं पता था? उस दिन इन्हीं जाटों को आप पीटने का काम कर रहे थे, आपकी सरकार पीटने का काम कर रही थी। तीसरी बात, आप आज जिन जाटों को आप लेके वहां जा रहे हो, आज कह रहे हो हम उनका अपमान कर रहे, आप 252 जाटों को लेके गए हो, लेकिन 710 जाट जो आप हत्या रहे हो, उन 710 जाटों के जो शहीद हुए हैं 13 महीने के बीच में, उन 710 जाटों के परिवार में एक भी मंत्री, एक भी संतरी, एक भी डीएम, एक मिनट तिलक जी बस एक मिनट, एक भी मंत्री, एक भी संतरी आप लोगों ने भेजा क्या उनके घर? या आपके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, किसी ने भी एक बार लाइव आके चैनल के माध्यम से ट्विटर पे कहीं भी नम आंखों से उनको एक बार यदि आप थोड़ा सा भी सम्मान दे देते तो इन जाटों के कलेजों का दिल ठंडा हो जाता। एक बात हो, यही मीटिंग सतपाल चौधरी जी, सतपाल मलिक जी जाट नहीं है क्या? आप ही के पार्टी में है, आप ही के बनाए हुए हैं, क्या सतपाल मलिक जी जाट नहीं है? यही मीटिंग सतपाल मलिक जी के यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, आप केवल उत्तर प्रदेश की जनता, जो आप लोगों ने रोजगार छीन लिया, आप लोगों ने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, अभी छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई। आपने अपनी बात रखी, एक मिनट जी, संजय त्यागी इतनी जल्दी से, फिर राहुल लाल और स्वामी जी आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए संजय त्यागी।
देखिए ऐसा है, मैं पहले हमारे भाई बड़े जोर शोर से बोल रहे थे, अगर आप जाटों के इतने ही हिस्से से हैं और जिनसे आपका गठबंधन आप उस बात को बताइए जो आपने जेएनजी के ऊपर लाठी बरसाई थी, आप चुप रहिए, आप बीच में अगर आप बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए, दूसरे को नसीहत दे रहे थे, दूसरों को नसीहत दे रहे थे और बीच में फोर बता रहे थे, आपके आपके नेता कहां सो रहे थे, बीच में बोलने का सेंस नहीं है आपको, मैंने आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुना था, आप मैंने आपको बड़े धैर्यपूर्वक सुना था, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, इन जाटों को मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने की क्षमता रखिए, संजय भाई सुन लीजिए ना बात, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बीच में नहीं हो पाएगा संजय भाई, नहीं ये डिबेट कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अभी अभी मुझे नसीहत दे रहे थे कि बीच में ना बोले संजय भाई, और खुद आपको देश प्रदेश की जनता देख रही है, आप जवाब क्यों नहीं देते, डिबेट में बैठे हो या गली मोहल्ले आप सुनने की क्षमता रखिए, सेंस सीखिए आप पहले, संजय त्यागी जी पहले सेंस सीखिए, संजय त्यागी जी मुद्दे पर आप एक सम्मानित, संजय जी प्लीज देखिए मेरा पहला सवाल ये है, इनके हर मुद्दे का मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर जाटों के इतने ही बड़े ये और इनके गठबंधन के समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी हितैषी है, तो कितने टिकट दिए हैं जाटों को, भाजपा ने अधिक दिए हैं या इन्होंने ज्यादा दिए हैं, बताइए, मैं लाठी का भी जवाब दे रहा हूँ ना, मैं पहले वही जवाब दे रहा हूँ, मैं पहले वही जवाब दे रहा हूँ, अरे जवाब किस बात का, जी मैंने वो बात रखी, नंबर दो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक प्रक्रिया होती है जिस कोठी की ये बात कर रहे हैं, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अनुसार तमाम नोटिस दी गई, एक प्रोसीजर अंत तक 2 साल तक नोटिस इन्हें तामील कराई गई, नोटिस पे इन्होंने जवाब देना भी उचित नहीं समझा, ठीक। नंबर तीन इनकी बात आई, देखिए एक कानून व्यवस्था होती है, हाथरस में वो जा रहे थे जयंत जी, हाथरस एक पूर्व सुनियोजित सभी दलों की, विपक्षी दलों की, और उसमें अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, वहां उस अगर भावनाओं को भड़काने जा रहे तो पुलिस के साथ अगर बदतमीजी होगी तो पुलिस को अधिकार है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें जा रहे थे, आप क्या करने जा रहे थे, आप जब अयोध्या किसने चलवाया उन पे, तो आपके कार सेवक क्या करने जा रहे थे, एक मिनट प्लीज, कार सेवक अगर वहां गए, कार सेवक वहां गए तो हमने उसको क्या कहा, अरे तो गोलियां चलवाई ना कार सेवकों पर, चलवाने का काम किया हमें गोलियां आप लोगों ने, हजारों कार सेवक शहीद कर दिए, और जिन्होंने शहीद किए उन्हीं के साथ गठबंधन करने वाले 2013 में हमारे जाट भाइयों के बीच में तब कहा थे आप लोग, 2013 का कवाल दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट भाई हमारा नहीं मिलने वाला, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, स्वामी लाल स्वामी तिलक भाई प्लीज एक सेकंड, एक मिनट विक्रांत जी आ रहा हूँ, विक्रांत जी प्लीज आ रहा हूँ, प्लीज बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज स्वामी जी जी और राहुल लाल स्वामी जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ फिर मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा, स्वामी जी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, क्या वाकई में दिखाई दे रहा है जो कि बीजेपी परसेप्शन और नैरेटिव पे अगर चुनाव लड़ती है जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि लड़ाई सपा आरएलडी बनाम बीजेपी हो चुकी है और आप लोग लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, या बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है, देखिए लड़ाई से बाहर कांग्रेस नहीं हुई है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का वोटर एकदम साइलेंट है और आने वाले समय और वक्त बताएगा कि किधर जा रहा है, जिस मुद्दे को हम लोग लेकर चले से कि आधी आबादी का बात कर हमारे पूरे आप देखे होंगे जितने भी सीट कल भी 39 उम्मीदवार लाएगा जिसमें 40% महिलाओं को हम सीट देते जा रहे हैं और युवाओं को जोश खरोश के साथ हम लोग लड़ा रहे हैं, तो हमारा जो मुद्दा है जो भी मुद्दा है युवाओं को रोजगार देने से लेकर किसान का ऋण माफ करने से लेकर स्कूटी और फोन देने की बात कही गई है, तो हमारा जिस और प्रदेशों में जैसे हमारा सरकार था तो 72 लाख करोड़ लोन भी माफ किसानों का किया गया, तो हम मुद्दे की बात करके लड़ाई लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो जी जी तिलक जी मैं भारत है ये तो जाटों को मना रहे हैं, आप किसी को नहीं मनाएंगे, मैं तो सब सबका साथ सबका सहयोग से कांग्रेस हमेशा से चली है, सबको साथ लेकर, इन लोगों को भय है
इनको भारतीय जनता पार्टी को तब कुनबा को अब इंतजार करते करते कुनबा का आवाहन कर रहे हैं और जाटों का आवाहन कर रहे हैं, जब 13 महीने से हमारे भाई जैसे संजीव जी बताया 13 महीने से किसान आंदोलन चला, जिसमें 750 किसानों का आहुति देने के बाद, जाट का आहुति देने के बाद इनको सूद लेने के लिए एक फोन के दूरी पर लोग बैठे थे, लेकिन वो फोन प्रधानमंत्री का नहीं गया उस समय जब हमारे जाट भाई किसान भाई मर रहे थे जिनका मौत हुआ इस आंदोलन के तहत। आज वह किसान और जाट कैसे भूलेगा उस इस ऐतिहासिक काम जो ये लोग किए हैं 13 महीने तक। मान रहे कि लड़ाई कांग्रेस की नहीं, सपा आरएलडी और बीजेपी के बीच नहीं, लड़ाई तो हम भी लड़ाई में है और हम सपा और वो तो ठीक है, लेकिन जाट का वोट देखिए, हमारी नेता प्रियंका गांधी हमेशा किसान के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हर जगह जाकर अग्रसर, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी उसी किसान आंदोलन से लेकर पहले भी जमीन अधिग्रहण में क्यों भीड़ आ रही थी, क्यों जयंत चौधरी के साथ लोग जुड़ रहे हैं अगर आप ही नहीं। देखिए जयंत चौधरी, देखिए जाटों के क्षेत्र में है जिस उनका जैसे चौधरी चरण सिंह जी का बाहुबल्य क्षेत्र रहा है, अजीत सिंह जी का रहा है, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन में लोगों को विश्वास धीरे धीरे भाजपा से हट गया है, तो जो जाट बाहुबल्य क्षेत्र है उसमें जाटों का एक अलग समूह है जो किसान का समूह है, जो किसान हित की रक्षा की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को इसका फायदा हुआ है। नहीं, फायदा तो राष्ट्रीय लोकदल को सबको होगा, जो भाजपा से हट के है सभी दल को फायदा होगा, क्योंकि किसान और जाट समझ चुके हैं कि इनके हित में कल्याण नहीं है। ये अभी अमित शाह जी ढोल पीट कर उस समय जिस तरह से माहौल उड़ाया गया किसानों का कि मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान नहीं है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, उसी जाट को गाली दी गई है खालिस्तानी आतंकवादी का। अब उस जाट के पास तलवे चाटने के लिए लोग तैयार है, ये भाजपा का दो तरफा जिस तरह से। स्वामी जी प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, क्यों मुद्दा डिरेल हो जाएगा प्लीज। राहुल लाल, मैंने क्या गलत सवाल पूछा संजय जी से? मैंने कहा कि अगर वर्मा जी के आप बैठक दिल्ली में आप कर सकते हैं तो संजीव बालियान वो भी बड़े नेता है, जाट नेता, और इसके साथ साथ सत्यपाल सिंह वो भी बड़े नेता है, आप मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी कर सकते थे, लेकिन वो कह रहे कि नहीं दिल्ली में वातावरण अच्छा था। मैं समझ नहीं पाया इस बात को, आप समझे ना? मैं तो खैर समझ गया। देखिए स्थिति किसान आंदोलन पे, देखिए चावला साहब आपके साथ कितने बार डिबेट में रहा हूं, तो स्पष्ट है कि किसान आंदोलन के बाद अब बिल्कुल पश्चिमी यूपी में उनको ज्यादा अच्छा लगा कि दिल्ली में बैठक किया जाए, क्योंकि जो दोनों विकल्प आपने दिए हैं वो काफी बेस्ट विकल्प है, उस जगह पे किया जाता तो मैसेज और भी ज्यादा मजबूत मैसेज जाता। आप खुद ही बता रहे हैं कृष्णपाल सिंह जी को लेके कि भाई वो एक वोट किसका होगा, तो स्पष्ट है कि वो एक वोट भी उन्हीं का होगा, तो वहां पे एक संकेत देने का प्रयास है। देखिए हम लोग ये तमाम दावे वादे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014-17-19 वाली स्थितियां नहीं है, किसान आंदोलन ने चीजों को बदला है, वही कारण है कि आज बीजेपी के देखिए तीन तीन नेता तीनों अलग अलग क्षेत्रों में, कोई मथुरा में तो कोई मोदी नगर में, कोई कहीं पर लोग लगातार जो कि जमीन पे भी जाके प्रयास कर रहे हैं पूरा बदलने का कि माहौल को कुछ बदला जाए। चुनौतियां इनके लिए काफी बड़ी है, क्योंकि देखिए जो एक सवाल पूछा जा रहा था अभी हाथरस के मामले को लेके, और संजय जी जवाब दे रहे थे कि कोई भड़काने का काम करेगा, पुलिस के साथ बदतमीजी करेगा, अभी भी वो काफी ज्यादा जो वो क्लिप वायरल है इस समय कि वो उस समय पत्रकारों से वार्तालाप कर रहे थे, तो पत्रकारों से मीडिया से बातचीत करते हुए जो एक अचानक से पुलिस आता है और वो लाठियां चलानी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दो तीन चीजें बड़ी समझनी पड़ेगी चावला साहब। देखिए एक तो ये है कि कहीं कहीं बीजेपी ने यह संकेत दे दिया है कि चुनाव के बाद भी अगर गठबंधन बनाने की जरूरत होगी तो उस समय भी उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जो संजय जी अभी भी कह रहे हैं कि दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि कहीं इससे अल्पसंख्यक वोटरों को, एक तरह से जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके मन में शंका उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कि आप कहीं कहीं वो उनको ये ना लगे कि अरे यहाँ पे वोट देंगे कल के प्रदीप में अगर इनके कैंडिडेट जीत भी जाते हैं तो बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे, तो जो मुस्लिम जाट का जो समीकरण बनाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे उसमें कहीं कहीं मुस्लिमों को एक कंफ्यूजन में डालने का भी प्रयास है। और वो चूंकि मैं उसको उसी रूप में ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर्स का प्रतिशत और जाटों का प्रतिशत, तो आप देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन है वो, तो उसमें मुस्लिमों को भी डिफ्यूज करना बहुत आवश्यक है। के बयान दिया गया आपको लग रहा है?
ना ये बिल्कुल जानबूझ के बयान दिया गया। ये बताइए कि गठबंधन बिल्कुल तय है, अगर इनको जयंत चौधरी जी से इतना प्यार होता तो पत्रकार वार्ता करते हुए होते और उसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं कराया जाता। तो आप राहुल लाल आप जो मुझे फोन करके प्रोग्राम शुरू होने से पहले फोन करके जो मुझसे बात कह रहे थे, जो मैंने पूछी भी डॉक्टर विक्रांत से, आप कह रहे मौसम वैज्ञानिक वाली बात। अजीत सिंह जी मौसम वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि कहां कहां मौसम क्या होने वाला है। तो आप संकेत क्या दे रहे हैं, जयंत चौधरी भी वैसे ही करेंगे? ना मैं ऐसा संकेत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ अजीत सिंह जी ऐसा करते हुए जरूर रहे हैं। अब इनको देखना है कि ये किस रूप में रहता है। हालांकि अभी कई सारे मौसम वैज्ञानिकों ने जो एक और बड़े मौसम वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश के कहलाते हैं वो पाला बदल के कहीं और आए हैं, तो अलग अलग मौसम वैज्ञानिक अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। देखिये हर कोई स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं हो सकते या अजीत चौधरी जी नहीं हो सकते, तो नए पीढ़ी के मौसम वैज्ञानिकों को परखना होगा कि वो कितना ज्यादा सही वो अनुमान लगा पा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं ना जन की, तो आगे बढ़ा रहे हैं वो पीढ़ी ने, पीढ़ी तो वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए समाजवादी पार्टी है या फिर एक तरह से जयंत चौधरी जी, सब लोग दावे कर रहे हैं कि हम नए पीढ़ी में नए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नए ढंग से आ रहे हैं, नए मूल्यों के। डॉक्टर विक्रांत आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद संजय जी और संजीव जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए डॉक्टर विक्रांत। मैं बस राहुल भाई की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं कि मौसम वैज्ञानिक जयंत चौधरी साबित होंगे, और चुनाव के बाद मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, यहां सब पार्टियों के लोग हैं चैनल पे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि विश्वास दिलाने की ज्यादा जरूरत है संजीव, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप भी तारीख नोट कर रहे थे, आपने कहा था मुझे कि ये बिल्कुल भाईचारे का गठबंधन है, नतीजे कुछ भी हो अब ये साथ टूटेगा नहीं, बना रहेगा। हाथरस वाली बात जरूर मुझे याद आई, मैं हाथरस में खुद जयंत चौधरी जी के साथ था उस समय, लाठी खाई और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा भयावह दृश्य मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मुझे मेरे पिताजी ने भी कभी चाटा नहीं मारा, और कम से कम 50 लाठियां मेरी कमर और एक सर पे लगी थी मुझे उस वक्त। तो मैंने देखा लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं थी, पहले से प्लान्ड आदेश था वहां पे और लाठी चार्ज होना था जयंत चौधरी के ऊपर, तो उनका सम्मान करते हैं ये बात मैं बिल्कुल मान नहीं पाऊंगा। अगर कोई और यहाँ बैठा होता शायद वो कुछ भी सोच लेता। आप लोग 10 तारीख के बाद बदल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा है, और उसी डर से तो ये ऐसा कह रहे हैं। जब अमित शाह जी के सामने नारा लग गया कि जयंत चौधरी जिंदाबाद, जब वो कैराना गए तो कैराना में एक और बात मैं आपको बता दूं तिलक जी, सीधा सपाट बोलने वाला आदमी मैं ना, इधर उधर की बात नहीं करता मैं, सीधा सीधा बोलता हूं। नाराज मत होना, मैं सीधी बात कर रहा हूं। नहीं नहीं आप सपाट बोलिए, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैं कांधला से आता हूँ, कैराना से 10 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, आप बात को समझिए। वहां वो पलायन के मुद्दे पे बार बार योगी जी जाते हैं, फिर अब अमित शाह भी जाते हैं, उनके सामने जब जयंत चौधरी जिंदाबाद का नारा लग जाता है तो परेशानी हो गई है, परेशानी हुई है। मैं ना यहाँ हिंदू मुसलमान वाली डिबेट करता ही नहीं जी, वो दूसरा को वो करते हैं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। सुनिए मेरी बात, अब मुद्दे पे आता हूँ ना। अभी देखिए, अभी संजय त्यागी जी ने कहा, और संजय त्यागी जी जैसे बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं दरवाजा खुला है, जब चाहे तब आ जाओ। अब मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, हमारा दरवाजा बंद है, बीजेपी को हम लेंगे नहीं। आप मेरा स्टेटमेंट लीजिए, हम बीजेपी को लेंगे नहीं किसी भी कीमत पे कभी भी। तो सुन लो सवाल, सुन लो, एक अभी ऑफर दिलवाता हूँ संजय त्यागी जी से। नहीं ऑफर तो हम दे रहे हैं कि हमारा दरवाजा आपके लिए बंद है। चुनाव के बाद आएगा, चुनाव के बाद आएगा, मैं अभी से ऑफर दिलवा देता हूं। संजय त्यागी जी इनको बोलिए ना डिप्टी सीएम बना देंगे, डिप्टी सीएम बना। देखिए ऐसा है, मैंने मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़े तब ना जाए जैन जी। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, मैंने सभी को ध्यान पूर्वक सुना, मेरा आग्रह है पैनल में बैठे सभी, मुझे डिप्टी सीएम वाला ऑफर देखिए 10 मार्च का इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीजें साफ हो जाए। देखा, आप बोलिए डॉक्टर विक्रांत, फिर संजीव चौधरी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए आप। देखिए इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा ना बात करने के लिए, इस समय हार हो रही है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं तो कह सकता हूँ कि हार के बाद की बौखलाहट है, अगर ये डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार और मैं इसकी वजह में तिलक भाई मैंने एक स्टेटमेंट देंगे इसकी वजह में साफ करता हूँ, मैंने कहा 10 मार्च का इंतजार कीजिए जी। हाँ जी जी संजय भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम है बीजेपी का बेसिकली, जो अब अराइज हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पॉलिटिकल साइंस जो लोग जानते हैं, जब आप लीडरशिप को वीक कर देंगे और उसका सेंट्रलाइजेशन कर देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन रहा नहीं, इनके पास इलाके में नेतृत्व तो बचा नहीं, लोगों को आगे बढ़ाया नहीं, एमपी एमएलए को काम नहीं करने दिया, तो अब लोग विरोध करेंगे ही ना। अब अमित शाह जाएंगे हर जगह संभालने, जो बात राहुल लाल ने कही मुझे तो वही लग रहा है। राहुल लाल मेरे मित्र जो है वो सीधा तीर छोड़ते निशाने पर, वो कह रहे हैं कि भैया ये संकेत साफ है, जो जय श्री राम और अल्लाह अकबर दोनों साथ में आ गए, वो कह रहे हैं कि वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ ये चौधरी इत्तेफाक रखते हैं राहुल लाल की बात। देखिए तिलक जी, ये बिल्कुल बड़े भाई हमारे राहुल लाल जी ने बिल्कुल सही कहा है और मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। इससे साफ पता चलता है कि जो आदमी अपने घर में इन्हें बुला नहीं रहा तो वोट तो बिल्कुल नहीं देगा। तो इससे साफ जाहिर हो चुका है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जीरो पे आ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि केवल एक ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को डराया जा रहा है कि भैया आप इनको लोकदल वालों को वोट मत करना नहीं तो ये दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे यहाँ पर डॉक्टर साहब विक्रम जी अभी बोल रहे थे, मुझे उन्हें विश्वास की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो गठजोड़ हुआ है ये फेविकोल का बहुत मजबूत गठजोड़ हुआ है। अच्छा, इसमें फेविकोल यूज है। अच्छा, इसमें फेविकोल लगा हुआ है इस गठजोड़ में। ये टूटेगा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम लोग, झूठे लोग जो छात्रों पे लाठियां बरसाते हैं। स्वामी जी जल्दी से, हमारी बहनों पर लाठियां बरसाते हैं। ये हाथरस की घटना को भुलाना चाहते हैं इन बातों को करके। ये जो हमारी बहन का चीरहरण हुआ था चुनाव में, ये उस घटना को भुलाना चाहते हैं। जी पूरे देश ने और पूरे प्रदेश ने देखा था उस घटना को। देखा था जब चीरहरण आपके नेताओं ने चीरहरण किया था। दस मार्च का इंतजार कीजिए। 50 सीट क्रॉस नहीं कर रहे पूरे उत्तर प्रदेश में। पता चल जाएगी, ये आप तय नहीं करोगे ना, आपका गठबंधन तय करेगा, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता पर आश्वस्त है। ये मीटिंग करके दिखा दे, कहां नहीं हो रही मीटिंग। आपको घुसने नहीं दिया जा रहा। संघ का नाम, आप किस तरह की अराजकता पूर्ण बात करते हैं, आप किस तरह की अराजकता पूर्ण बात करते हैं बताइए। एक स्थान का, एक जिले का, एक विधानसभा का नाम बताइए, वहां पर हम मीटिंग करने के लिए तैयार है। किस तरह की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हो आप? मीडिया नहीं देख रहे संजीव चौधरी की? हम मीडिया ही देख रहे हैं, मीडिया आप नहीं देख रहे कि वही लोग जाटों को निमटने की धमकी वही लोग दे रहे। आप मीडिया नहीं देख रहे, तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। 252 वोट आपको मिलने जा रही है, 252 नहीं पता मिलने जा रही है, 252 सीटें मिलने जा रही है। वोट नहीं, 10 मार्च के रिजल्ट तय कर देंगे, मैंने बताया ना। 10 मार्च का इंतजार कीजिए, 10 मार्च को पता चल जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अभी मुजफ्फरनगर के केराना दंगों को नहीं भूली है। अरे वो तो आपने कराया था, मुजफ्फरनगर का दंगा आपके विधायकों ने कराया था। इससे हादसे पर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। नहीं तो हमारे विधायकों को गिरफ्तार करके जेल से निकाला। वो बरी कैसे हो गए? इसका मतलब आप लोगों ने कराया था वो। संजीव चौधरी प्लीज संजय त्यागी जी प्लीज एक मिनट। स्वामी जी, जी। ये लड़ाई कहां जाते हुए दिखाई दे रही है? आप कह रहे हैं स्कूटी मुफ्त बांट देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे, 40% महिलाओं को टिकट दे देंगे। देखिए, लेकिन 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 लड़ाई तो सपा और बीजेपी के बीच नहीं, लड़ाई तो दिशा कल ही तय हो गया। जिस तरह से युवाओं का पर लाठी चार्ज इलाहाबाद में हुआ, जिस तरह से फोर ग्रेड का रेलवे का नौकरी 2019 में वैकेंसी निकालकर और अभी जो खत्म करने का प्रक्रिया, तब युवा देश का, प्रदेश का उत्तर प्रदेश का युवा कल को नहीं भूलेंगे। 26 तारीख गणतंत्र दिवस के लोकतंत्र का जिस तरह से प्रहार किया गया, जिस तरह से युवाओं के ऊपर, वह देश का जनता और प्रदेश का जनता देखा है। और अब ये लड़ाई कहीं और, यहाँ चलिए उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जो बर्बरता से जिस तरह से सरकार ने अनदेखा किया है, उसका तो लड़ाई वो जाट बहुमूल्य क्षेत्र से इनको किस तरह से 10 मार्च को भाजपा साफ, यही नारा चल रहा है 10 तारीख 10 मार्च भाजपा साफ, क्योंकि जिस तरह से हुआ और बेटी हूँ लड़ सकती हूँ क्या, प्रियंका चोपड़ा जी के साथ
आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैंने बोला। ये प्रियंका चोपड़ा कहाँ से? इसी तरह भाजपा के लोग बौखला जाते हैं। प्रियंका मौर्य, मौर्य चोपड़ा नहीं, चोपड़ा नहीं, मौर्य बेटा अपराधी, जो अपराधी स्वयं है वो बैठा हुआ गृह राज्य मंत्री। मौर्य 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 बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका मौर्य देते हैं जिस तरह से अपराधी को, कोई नहीं संजय भाई, स्थितियां ऐसी है एक्चुअली, परिस्थिति बहुत संजय भाई ऐसी है, हो जाता है। यूरिया चोरी से लेकर किसानों के साथ इस तरह से ये लोग परिस्थितियां तो मुझे बड़े मजे से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता लग रहे हैं। बोलने का बहुत आपको खुजली मची है जनता, आपके विश्वास पर कितना खड़े उठेगी? 37.5 लाख बेरोजगारी वहाँ पे, खुल खाली कुर्सी भरने नहीं पाए 5 साल में। 4.5 लाख बोलते हैं कि हम युवाओं को नौकरी दिए, महिलाओं को नौकरी दिए, जब यही चीखने चिल्लाने से कांग्रेस लड़ाई में नहीं आने वाली। बताइए किस विभाग में कितना नौकरी योगी सरकार में मिला है? तो आप लोग को जुबान में ताला लग जाता है, किसान की बात पर ताला लग जाती है। देखिए लड़ाई बीजेपी खुद मान रही है, देखिए लड़ाई बिल्कुल जो है कि वो समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच में। देखिए अगर जब तक अमित शाह जाट नेताओं से नहीं मिले थे, एक चीज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता ये मानने के लिए, कोई नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पश्चिमी यूपी में उनकी स्थिति कहीं से कमजोर है या फिर उनसे जाट कहीं से नाराजगी है। तो देखिए उस बैठक से ये तो स्पष्ट हो गया कि जाटों की नाराजगी को आप स्वयं जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं अमित शाह, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर अब अंदर बैठक में जो तमाम तरह की चीजें जो बाहर आई हैं कि भाई स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपको लड़ना है, हम ही से लड़िए, हम ही से प्यार कीजिए, हम ही से मोहब्बत कीजिए, आप क्यों दूसरे खेमे में जा रहे हैं, तो एक तरह से इसके ऊपर औपचारिक मोहर लग गया है चावला जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हाँ बीजेपी कमबैक करने का हमेशा प्रयास करती है और वो लड़ाई वो लड़ रही है, लेकिन जमीन पर स्थितियां कहीं ना कहीं बदली है और मुकाबला द्विपक्षीय है, इसमें अब इसमें कहीं कोई शक और संदेह का घेरा नहीं रहा है। तभी देखिए उस चट्टानी एकता को तोड़ने के लिए तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम वाला जो वो एक वहां पर जो एकजुटता बनी है वो कैसे टूटे, करारा का मामला लगातार उठाया जा रहा है, या फिर जो ये बयान भी दिया जा रहा है इसमें कि भाई जयंत चौधरी फिर से इलेक्शन के बाद निकल सकते हैं, जो मुस्लिम का वोट टर्न आउट उनके प्रति घट जाए, या तो लोग घर में ही रह जाए या फिर दूसरे 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 विकल्पों के ऊपर तलाश करें। तो ये स्थितियां बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं। उनकी स्थिति पश्चिमी यूपी में जो अभूतपूर्व स्थिति होती थी वो अभूतपूर्व स्थिति अभी नहीं है, इसे भारतीय जनता पार्टी अब सार्वजनिक कर चुकी है अमित शाह के बैठक के माध्यम से। ठीक राहुल लाल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अब मैं संजीव चौधरी जी और डॉक्टर विक्रांत, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा और स्वामी जी मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए संजय त्यागी जी से 1-to-1 बात करने के लिए, अगर आप लोगों की इजाजत है तो। मैं बस एक नोट दे दूं उसके बाद आप दे दीजिए उन्हें समय। मैं ये कह रहा था राहुल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बातों को अगर ध्यान से देखूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए हर वक्त प्रयासरत है और गठबंधन हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने के लिए प्रयासरत है, तो जनता तय करेगी कि किस तरफ जाना है। ये चुनाव 31 अक्टूबर को अपना मैनिफेस्टो देने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक दिशा देने का काम किया कि ये चुनाव मुद्दों पे होगा, ये चुनाव उन चीजों पे नहीं होगा जिस पे पिछले 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। ये चुनाव महंगाई पे होगा, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, भाईचारे पे होगा, गन्ना भुगतान पे होगा। ओके डॉक्टर विक्रांत जी, संजीव जी, स्वामी जी और राहुल लाल, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा संजय जी से। संजय जी इजाजत है आपकी भी? मैंने सबसे इजाजत ले ली जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक जिक्र यहाँ पर संजीव चौधरी जी ने किया था और डॉक्टर विक्रांत ने किया था, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो जयंत चौधरी वाली तस्वीरें सबसे पहले प्ले करें। जयंत चौधरी वाली तस्वीरें, जयंत चौधरी की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें जिसका जिक्र संजीव चौधरी ने भी किया था, जयंत चौधरी के लेकर तस्वीरों का देखिए चावला भाई, चावला भाई मैं कहना चाहता हूँ, नहीं इस पर मैंने पूर्व में भी कहा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हाथरस की घटना क्या थी? एक अंतरराष्ट्रीय और
इन सारे विपक्षियों की मिलकर के एक बहुत बड़ी साजिश थी सरकार के खिलाफ, प्रदेश में दंगा भड़काने की एक कोशिश थी। आप साजिश करता जयंत चौधरी को साथ लाने की बात करो, अगर ये साजिश करता है आप कह रहे हो अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल थे तो आज इसको आप कह रहे हो कि साथ में आ जाओ। जयंत जी उस सबसे मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, एक बहुत बड़ी हाथरस की घटना साजिश थी, मैंने ये नहीं कहा जयंत जी उसमें शामिल थे। तो फिर लट क्यों भंजवाए? देखिए अगर मान लीजिए जिले में जिलाधिकारी ने कहीं कोई रास्ता बैन किया हो कानून व्यवस्था और शांति के लिए, तो क्या जरूरी है दो दिन बाद चले जाते हैं वहां पर? अच्छा तो इसलिए जन चौथी अगर वहां पर लोयन स्थिति की स्थिति खराब हो जाती, दंगे भड़क जाते, तो तभी इस चीज को दूसरे रूप में पेश कर रहे होते। देखिए कि जी सरकार वहां पर लोयन स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाई और बड़े दंगे हो गए और ये दंगा तो ये चाहते ही थे। चलिए ठीक है, ये देखिए जैन चौधरी जी पे लाठियां नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोयन स्थिति वहां पर थी, अब वहां जयंती कुछ चीजें थी जो हो सकता है गलतफहमी में हो गई। लाठियां भांजी जैन चौधरी पर, उसके लिए आप क्षमा याचना चाह रहे हैं, माफी चाह रहे हैं? नहीं, देखिए हम ये कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई भी अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना उस घटना का ही नहीं, कहीं भी कोई भी कोई ऐसी बात हुई होगी तो गलती को गलती मानने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो आप माफी मांग रहे जैन चौधरी से? नहीं, जैन चौधरी से मैंने क्या कहा, घटना, मैं घटना का जिक्र कर रहा हूं। अच्छा तो उस घटना के लिए माफी मांग रहे हैं आप, आपको अफसोस है? नहीं, हुआ होगा अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए तो अफसोस होना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ये जयंत चौधरी का मसला हल हो गया संजीव जी। अब मैं दूसरे मसले पर आ रहा हूँ, आपने माहौल का जिक्र किया था, आपने कहा था कि हम सत्यपाल जी के यहाँ और संजीव बालियान जी के यहाँ भी इसलिए नहीं किया हमने बैठक मीटिंग क्योंकि वहां वातावरण की दिक्कत थी, दिल्ली में वातावरण। देखिए मैं आप चावला भाई आप शब्दों को तोड़ते मड़ोड़ते बड़े अच्छे हैं, बधाई है आपको। धुआं बहुत है वहां तो, फॉग है बहुत। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, जरा शब्दों को तोड़ता नहीं मैं, आपके मैं शब्दों को तोड़ूंगा तब जब आप मेरे सामने मरोड़ते भी हो, आप मेरे सामने हैं तो मैं आप ही ने जो बात कही मैं उसी बात कह रहा हूं, मैं उसी को आगे मैंने क्या कहा, मैं उसी वातावरण की जिक्र बहुत जी क्योंकि देखिए आप और मेरे बीच बंधन हो रहा है, मेरे सारे जितने भी मेहमान हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा देवेंद्र लोधी वाला जो तस्वीरें हैं वो प्ले करिए। देवेंद्र लोधी जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगा क्योंकि आपने वो वातावरण का जिक्र किया था तो मैं उसी वातावरण के ऊपर आ रहा हूं। देवेंद्र लोधी की तस्वीरें प्ले करिए प्लीज, और देवेंद्र लोधी का मैं जिक्र कर रहा हूं, दरअसल ये तस्वीरें जो है देवेंदर सिंह लोधे, सयाना बुलंद शहर की तस्वीर, हल्का सा एंगल सुखाइए, देवेंदर लोधे, देवेंदर लोधे, देवेंदर लोधे। इसमें संजय त्यागी जी मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा, ये आपके विधायक हैं और वहां पर उनका विरोध हो रहा है और गांव वाले विरोध कर रहे हैं, क्या इसी विरोध के डर से आप लोगों ने ये मीटिंग दिल्ली में की थी? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बार बार, विरोध कैसा होता है, विरोध ये नहीं कि 20 लोग इकट्ठे कर दिए, सामाजिक तत्व इकट्ठे कर दिए और किसी विधायक जी के पीछे वो दौड़ लिए और जी विधायक जी का विरोध हो रहा, विधायक जी का विरोध हो रहा, ये राजनीतिक मनसा के अनुसार के साथ राजनीतिक मनसा जो विपक्षियों की है, जो वो प्रदेश में एक गलत संदेश देना चाह रहे हैं कि विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, 10 मार्च के रिजल्ट सब कुछ तय कर देंगे। देवेंद्र जी भी भाग एक बार प्लीज, भारतीय जनता असामाजिक तत्व है जो विरोध कर रहे हैं, संजय जी ये असामाजिक लोग, मैंने बताया ना विधायक जी आए देवेंद्र सिंह लोधी, बिल्कुल ये विपक्षी जो देवेंद्र सिंह लोधे समाज में गलत संदेश देना चाह रहे हैं, विपक्षी लोगों के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, ये आम जनता नहीं है जिसे आप गांव वाले और आम जनता बताने का काम कर रहे हैं, ये गांव वाले नहीं है, ये मतलब संजीव चौधरी के भेजे हुए, डॉक्टर विक्रांत के भेजे हुए लोग हैं ये, वो बिल्कुल बिल्कुल ओके। अब मैं एक और छोटा सा आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी सुमित से कि एक ट्वीट है उसको प्ले करेंगे और उस ट्वीट को देख के मेरे को थोड़ी हैरानी हुई, उसकी शंका भी दूर करिएगा और उस शंका को दूर करने के पीछे मेरा एक मकसद भी है। ये ट्वीट बिल्कुल सही, इस ट्वीट में क्या है मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। आपके नेता ने कहा और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने
कि बीजेपी के जो जाट सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना है, 650 साल पुराना है। जाटों ने भी मुगलों से लड़ा और बीजेपी ने भी मुगलों से लड़ा, बीजेपी भी लड़ रही है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, बीजेपी जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना, जाटों ने भी मुगलों से लड़ा और बीजेपी भी लड़ रही है। 650 साल पुराना रिश्ता बीजेपी और जाटों का, और मुगलों से लड़ा, मुगलों के खिलाफ। आपकी पार्टी तो 1980 में बनी थी ना, 650 साल पुराना रिश्ता कैसे हो गया? संजय जी देखिए ऐसा है, जी जी जी, आवाज उधर से बनी थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 650 साल पुराना रिश्ता कैसे हो गया बीजेपी के साथ जाटों का? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी निर्माण वर्ष आपने बताया, ठीक है, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक मूल मंत्र पर काम करती है, सब हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, प्रदेश की ही बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, सभी आपस में भाई हैं, सभी का एक दूसरे से रिश्ता है। ये तो कुछ खाली भी होते हैं सर, इसमें कुछ पाकिस्तानी भी है, कुछ खालिस्तानी भी है, राष्ट्र विरोधी भी है आप लोगों के मुताबिक, लेकिन 650 साल पुराना रिश्ता में समझा नहीं। देखिए पाकिस्तानी और खालिस्तानी को अगर खालिस्तानी ना कहा जाएगा, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी ना कहा जाएगा, उनकी सच्चाई कहने से किसी के पेट में दर्द क्यों होता है भाई? ठीक है, 650 साल पुराने रिश्ते पे आइए सर, वो कैसे समझ आने में? हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी भाई है, रिश्ता तो स्वाभाविक ही है जब हम हिंदुस्तानी है। हाँ, बस मेरा एक सवाल है, अगर 10 MLA आए बीजेपी के और समाजवादी पार्टी को चाहिए होंगे तो दे देंगे क्या? एक मिनट डॉक्टर विक्रांत, देखिए नहीं नहीं मुद्दा डिरेल हो जाएगा प्लीज। संजय त्यागी जी, जी 650 साल पुराना मसला क्लियर कर, मैंने कहा ना हर हिंदुस्तानी का रिश्ता तो है आपस में, आप बीच में बोलने की कोशिश ना कीजिए, अन्यथा आप जैसा शोर मचाना मुझे भी बखूबी आता है, सुनने की क्षमता रखिए। नहीं आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं तो बोलना भारी कर दूंगा, बोल के दिखाओ अगर आप इस तरीके की बात करोगे तो। आप पहले हमारे साथी रहे, नहीं संजय नहीं हम साथी रहे आप नहीं, अरे संजय जी पहले समाजवादी भाई जी, आप हमारे किसने मना कर दिया? जी जी मैंने, अरे हम आपके परिवार से गए, मैंने कहा मना कर दिया इसमें भाई, मैंने कहा इसमें मना कर दिया, मुझे गर्व है मैं गलत दल में था, आज मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी में हूँ, और आप संजीव भाई आज भी गलत जगह बैठे हुए हो, अभी भी जब जागोगे जब सवेरा हो जाएगा। अभी आप कह रहे थे हिंदुस्तान में सब भाई भाई हैं, गलत कैसे हो जाएगी? जी डॉक्टर विक्रांत जी प्लीज एक सेकंड, देखिए मैंने क्या कहा, दल आप मेरे ये भी तो भाई हैं, तोड़िए मत, मैंने कहा गलत जगह बैठे हुए। ओके ओके भाई है तो भाई भाई ना संजय भाई, अरे मैंने वो जवाब किस परिप्रेक्ष्य में कहा, डॉक्टर साहब जरा उसको भी ध्यान में रखिए। ये कांग्रेस ही की नहीं, ये कांग्रेस भाई को, एक मिनट, 650 साल हर हिंदुस्तानी का रिश्ता है ना, हिंदुस्तानी का तो आपस में रिश्ता है ही एक दूसरे से, 650 वर्ष क्या, वो तो हजारों वर्ष का, हर सनातनी का, हर सनातनी से रिश्ता। ये दोबारा प्ले करिए प्लीज, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना, जाटों ने भी मुगलों से लड़ा और बीजेपी भी लड़ रही है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। मैं कह तो रहा हूं भाई साहब, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं ना, कि हर सनातनी हिंदू का हर सनातनी हिंदू से सदियों पुराना नाता है। तो 650 साल पुरानी अबे हिंदू में चले गए, सनातनी में भी चले गए, और स्वामी ओके चलिए अच्छा। अरे भाई कांग्रेसी भाई क्यों बीच में कूद रहे हो, आपके बीच में कूदने से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ाई में नहीं आने वाली, आपको तो ही गठबंधन वालों ने, आपसे तो किसी ने, आपको तो किसी ने, आप उत्तर प्रदेश में लड़ोगे जब, आप उत्तर प्रदेश में लड़ोगे जब, आपको तो किसी ने गठबंधन के लायक भी नहीं समझा, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, क्या किया प्रेक्षा मोलिया के साथ, कर्नाटक के एमएलए का सर्वनाश ध्यान याद है, जीरो जमानत भी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की नहीं बचने वाली है। संजय जी अब लड़ना नहीं है, ठीक है आपने 650 साल वाली थ्योरी नहीं समझाई मुझे, लेकिन चलते चलते एक बात, उसके बाद डॉक्टर का फाइनल कमेंट लूंगा आप सबसे, एक सेकंड। संजय जी
अब जब जाट नेताओं को, क्योंकि आप कहते हैं कि आप जातिवादी राजनीति नहीं करते, धर्मवादी राजनीति नहीं करते, मेरे देश की मीडिया है जो बार बार बता रही है कि जाटों को मनाने की कोशिश हो रही है ना सर। आप लोग तो धर्म वाली राजनीति करते नहीं ना, आप जाति वाली राजनीति करते हैं। जाट नेताओं को बुलाकर हमने तो पिछले दिनों ब्राह्मण, हमने तो पिछले दिनों दिल्ली में ब्राह्मण भी बुलाए थे। संजय जी सुन लीजिए ना, ये मेरे अपने ब्राह्मण भाई भी बुलवाए थे। आप बिल्कुल सही है, सुनिए ना सर जी, अब की बार जब जाट सम्मेलन करेंगे या जाटों को बुलाएंगे या जाट नेताओं को बुलाएंगे, तो क्या उन 700 परिवार जो शहीद हुए हैं किसानों के, उनमें से कुछ जाट होंगे, उनके परिवारों को भी बुलाएंगे क्या? कोई सरकारी आंकड़ा है क्या किसी के पास? आपके पास है 700 किसी का मन आता है नहीं, किसी का मन आता है वो 700 कह देता, किसी का मन आता है। संजय जी, इंसान की संजय जी भाई कम है, संजय जी अब तो उसको सरकार स्वीकार कर चुकी है इसको। आप बताइए कितना है, कितना है सर 700, कितना है, कितने परिवार शहीद हुए, आप ही बता दीजिए। देखिए ऐसा है, आप जिस, मैं इस वक्त केवल आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने न कभी जात मजहब सांप्रदायिकता की राजनीति करी है, भारतीय जनता पार्टी ने सब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन किया जाट अमित शाह जी ने किया। ओके डॉक्टर एक सेकंड राहुल लाल, अब ये लड़ाई कहां जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर संजय चौधरी फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं 10 सेकंड जल्दी से। देखिए ये लड़ाई एक तरह से काफी ज्यादा आक्रामक होने का पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, क्योंकि देखिए उनके लिए अभी भी वर्तमान स्थितियां सहज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि असहज स्थितियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, नंबर वन चीज। और नंबर टू चीज की पूरा प्रयास है कि आखिर किस तरह से पोलराइजेशन किया जाए, ध्रुवीकरण किस तरह से किया जाए, उसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तक ध्रुवीकरण, संजीव चौधरी सुना आपने, राहुल लाल ने महत्वपूर्ण बातें बोली हैं, अब इस बात की क्या गारंटी जिसे आप फेविकोल का मजबूत जोर समझ रहे हैं वो चुनाव के 10 तारीख के बाद कमजोर पड़ जाए, क्या गारंटी इस बात की? तिलक जी ये उत्तर प्रदेश की जनता के सम्मान का चुनाव है, वो बेरोजगार जो हो चुके हैं उनके सम्मान का चुनाव है, छात्रों के सम्मान का चुनाव है, किसानों के सम्मान का चुनाव है। ये एक बहुत बड़ा चुनाव है, ये एक बहुत बड़ी जंग है जो इन गलत लोगों के हाथों में हमारा देश चला गया। इनको यहाँ से जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, वैसे ही हमको इनके साथ जंग लड़नी पड़ रही है, अंग्रेजों से भी बुरी हुकूमत ये लोग चला रहे हैं। इसलिए इन बहुत बड़ा चुनाव है, इसलिए इनको खदेड़ने का काम उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने जा रहा है और ये भोली वाली जनता इनको भगाएगी। ओके डॉक्टर विक्रांत, आप समझ गए ना मैं किस तरह का पत्रकार हूँ? जी समझ गए ना किस तरह का बिल्कुल कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अकेले नेता जैन चौधरी ऐसे दिखे मुझे पिछले 3-4 सालों में जिन्होंने कहा कि हम किसी जाति बिरादरी का सम्मेलन नहीं करेंगे, हम सर्व समाज की ही मीटिंग करेंगे, और उन्होंने जो अभियान भी चलाए कोई जाति बिरादरी का सम्मेलन नहीं। सर छोड़िए ना उस बात को, आपको मालूम है आपका कैडर वोटर जाट है, छोड़िए उस बात को। नहीं ऐसा, चलिए वो भी 10 मार्च को फैसला हो जाएगा। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विक्रांत, आपका भी, संजीव चौधरी आपका भी, राहुल लाल आपका भी, और स्वामी जी आपका भी। लेकिन संजय जी नाराज मत होइएगा सर, मजबूर हूं मैं, सवाल पूछता हूं मेरी आदत है और सत्ता से सवाल पूछना मेरी आदत है। थैंक यू सो मच संजय जी, संजय जी आपकी आवाज कट गई थी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुद्दे की बात और आपका मुद्दा आज यही था, जाटों की मनाई के लिए, उनको मनान मोवल के लिए जो कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें वो कितनी कामयाब है देखना वाकई में दिलचस्प होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।